अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम इस वक्त कराची एक्सपो सेंटर में HVACR एक्सपो जो इस वक्त आज जिसका आज दूसरा दिन है वहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त हमारे साथ जहांगीर खान साहब, डायरेक्टर कूलमैक्स जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे इस एक्सपो और इनके काम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब। ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये कि आप आज दूसरा दिन है आप लोगों को यहाँ पर स्टॉल में और डिस्प्ले में, तो आपके ख्याल में जो रिस्पॉन्स आपको अभी तक का मिला है वो आपको कैसा लगा? इट्स अ मार्वलस इवेंट, इट्स वंस इन अ थ्री ईयर, आफ्टर एवरी टू ईयर्स दिस इवेंट कम्स, इट्स अ मार्वलस। Everything is perfect, people, the turnout is very good, and people among this industry used to have a joint get together so that we can exchange the knowledges, the advancement, everything is perfect, so the turnout is brilliant, very good. Acha dusra ye bataiye ki Coolmax jo hai wo jo zyada popular ho rahi hai wo made in Pakistan products ki wajah se, aur Pakistan HVAC society bhi sab koshish kar rahi hai ki made in Pakistan ko promote kiya jaye, to aapko lagta hai ki Pakistan के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग का जो स्कोप है वो वाकई बहुत अच्छा है? जी, मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट जो है उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें सपोर्ट करे। वी आर प्राउड टू बी द लोकल मैन्युफैक्चरर्स एंड वी आर ट्राइंग स्ट्राइविंग अवर बेस्ट टू बी इन, वी आर द बेस्ट हैविंग अ बेस्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स टू कम्पीट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। सो दो वी आर नॉट सर्टिफाइड but we are above the certifications and we are providing the solutions as per international standards with the 40% of the price reduction, and this saves a lot of foreign reserve, so we are expecting the government to come up with subsidies for the manufacturer, and in this regard we are having very close coordination with the Chamber of Commerce, and we are pursuing the government to give us some subsidies. अच्छा सर, ये बताइए कि ये आइडिया हम लोग ख़ुद भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और ये सारी चीज़ें प्रमोट होनी चाहिए, कंसल्टेंट्स को किस तरह से हैंडल करते हैं? जो लोग कंसल्टेंट्स, आपको पता है वो जो फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं HVAC के अंदर वो बड़ा मुश्किल काम है, कैसे हैंडल करते हैं? द कंसल्टेंट्स आर नाउ, द कंसल्टेंट्स आर सपोर्टिव एंड द क्लाइंट्स आर परस्यूइंग देम टू गो फॉर द प्रोडक्ट विच आर इकोनॉमिकल इन देयर बजट, सो इट्स वेरी सक्सेसफुल, कंसल्टेंट्स आर सपोर्टिंग, दे आर विटनेसिंग द परफॉर्मेंस, एंड वी इफ वी आर प्रोवाइडिंग इन कंप्लायंस विद देयर डिजायर्ड स्पेसिफिकेशंस, सो इफ यू आर कंप्लाइंग विद them, so definitely they give the consultant a supporting. तो अगर कोई सर्टिफिकेशन बॉडी बन जाए जो आप लोगों को यहाँ पर सर्टिफाई करे? इन पाकिस्तान इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड द लोकल सर्टिफिकेशंस टू विटनेस द परफॉर्मेंस एंड द मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स लाइक CGMP स्टैंडर्ड्स, सो सर्टिफाइड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टैंडर्ड्स, सो इट हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड in Pakistan. Only the PCSIR cannot handle all the water treatments, effluent water treatment, but there is no such body available to certify our standard. We need to witness to the client and the consultants at our factory, which is not sufficient, it has to be done on a higher level. तो अब ये बताइए कि दीगर कंपनीज के लिए भी आप समझते हैं कि उनको, चूंकि HVACR इंडस्ट्री के अंदर तो इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है, तो आप समझते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट पाकिस्तान की तरफ जाते हुए इसके ऊपर सब बाकी कंपनीज को भी कंसंट्रेट करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, वी आर हैविंग वी आर डिजायरिंग टू हैव अ फोरम ऑन दिस, वी आर ट्राइंग टू हैव अ जॉइंट सेशन विद अदर लोकल मैन्युफैक्चरर्स, एंड फाइनल इंशाल्लाह वी विल हैव समथिंग। एक चीज़ ये है कि जी पाकिस्तान के अंदर तो बाय ऑल मींस एंड बाय ऑल स्टैंडर्ड्स मेरा ख्याल है अगर आप जिस लेवल का काम कर रहे हैं और जो मार्केट वैल्यू और जिस तरह से आप लोगों को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि आप क्वालिटी का भी ख्याल कर रहे हैं और बाकी सब चीज़ें भी कर रहे हैं, तो इस सूरत में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जैसा आपने जिक्र किया कि उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए, कंसल्टेंट्स आप कह रहे हैं कि अब आप लोगों के साथ लाइनअप हो रहे हैं, क्लाइंट का क्या रिस्पॉन्स है? क्लाइंट रिस्पॉन्स इज वेरी वेरी फैंटास्टिक, लाइक वी हैव सप्लाइड टू द लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स, इंडस मोटर्स कंपनी, आयशा स्टील मिल्स, देयर रिस्पॉन्स आफ्टर विटनेसिंग द प्रोडक्ट एंड देयर इट्स परफॉर्मेंस, इट्स ऑसम, इट्स वेलकमिंग ड्यू टू द डॉलर एप्रिसिएशन, एंड वी कवर देयर बजट वैन विद इन देयर बजट वी प्रोवाइड एक्सेलेंट प्रोडक्ट्स एंड द क्वालिटी एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस। तो आखिर में सिर्फ ये बताइएगा कि अगले
फर्ज कीजिए 2 से 3 साल का अगर आपसे पूछा जाए तो कूलमैक्स के क्या टारगेट्स हैं अगले 2-3 साल में, कहाँ खड़ा होना चाहते हैं? कूलमैक्स विल बी एज पर द करंट सिनेरियो एंड द करंट गुड पॉलिसीज ऑफ फ्रॉम द गवर्नमेंट वी एक्सपेक्टिंग दैट द कूलमैक्स विल बी द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ एच वी ए सी प्रोडक्ट्स एंड Coolmax group of companies have a very good future. Thank you. Wish you all the best, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.